गंज बासोदा के समीप ग्राम लमानिया में एक परिवार में जमीनी विवाद के चलते एक महिला को उसके जेठ ने ही गोली मार दी। आरोपी का नाम देवीशंकर शर्मा है। महिला को सिर में गोली लगी है, इससे वह गंभीर घायल हो गई। गंभीर अवस्था में महिला को गंज बासोदा चिकित्सालय में लाया गया। हालत नाजुक होने के कारण महिला को भोपाल रेफर कर दिया गया। इस वारदात की सूचना मिलने पर SDOP भारत भूषण शर्मा, देहात TI वीरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 2 टीम बनाई है। पुलिस ने आरोपी देवी शंकर के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है। मामला देहात क्षेत्र का है। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हाँ, ये आज सुबह हॉस्पिटल से बासोदा से सूचना आई थी, जिस पर से तहकीकात की गई तो देहात थाने के अंतर्गत ग्राम लवनिया है, जहाँ पारिवारिक विवाद को लेते हुए जेठ ने बहू को गोली देसी कट्टे से फायर की है, जिसके उपचार के लिए वह हॉस्पिटल बासोदा है और जहाँ से डॉक्टर के द्वारा उनको रेफर विदिशा किया गया है। और जिस पर से गांव पे जाके जब तहकीकात की गई तो इनका पारिवारिक विवाद था, तो जेठ देवी शंकर शर्मा ने अपनी बहू को गोली मार के घायल किया है। आरोपी सर गिरफ्त में है, अभी टीम जांच पड़ताल। हाँ, ये आरोपी के लिए अभी हमने TI देहात बासोदा की टीम को रवाना किया है, तो बहुत जल्दी उसके गांव के आसपास सर्चिंग अभियान चालू हो रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। आरोपी के विरुद्ध 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी तहकीकात जारी है। घटना इनका एक मकान का मरम्मत का कार्य, निर्माण कार्य चल रहा था और मकान के निर्माण कार्य चलते टाइम बहू वहाँ उपस्थित थी, तो जेठ का आना हुआ और जेठ के आने पर इनकी कुछ जो पारिवारिक है वो चर्चाएं हुई, उसी में आकर उसने देसी कट्टे से फायर करके बहू को घायल किए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।